Thank you.
Kretschke espavam a vitra. Shubh vila ke pavit kshano me main atma apne pyare pita sadguru shubhaba ke adesh anusar master sarvashaktiman ban sarva atmaon ko shaktiyon ka daan de rahi hoon. मैं शिव पिता की संतान शंकर समान तपस्वी स्वरूप धारण कर गहन तपस्या में संलग्न हूं. सारे विश्व की आपदाग्रस्त आत्माओं को शक्तिशाली सकाश दे रही हूं. हम दुखहर्ता सुखकर्ता के रहमदिल बच्चे हैं. हमें सर्व दुखी परेशान आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है. सबको राहत पहुंचानी है. किसी को भी दुख नहीं देना है. दूसरों को दुख देना अर्थात स्वयं दुखी होना. सुख देना अर्थात स्वयं के लिए सुख का बीज बोना. शुभ बाबा कहते हैं मीठे बच्चे न दुख दो और न दुख लो. सभी को सुख दो तो सुख मिलेगा. जब शिव पिता किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को भी बाप समान बनना है. मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है. शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम सबको सुख का रास्ता बताने वाले सुखदेव हो. सबको याद की यात्रा सिखलाओ. अंधों की लाठी बनो.
Atma. Shwasoshwas. अशांत आत्माओं को शांति का दान दे रही हूं। शांति की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। आत्माओं को सहज ही शीतलता का अनुभव हो रहा है। वे अपने स्वधर्म में सहज ही टिक रही है। वे परमात्मा प्यार का अनुभव कर रही है। परम सुख का अनुभव करने का एकमात्र उपाय है स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा पिता को याद करना। परमात्मा की याद से ही हमें ये अनुभव होने लगता है कि परमपिता परमात्मा शिव से शक्तिशाली सुनहरी किरणें निकलकर हम पर आ रही है। सुखदायिनी सुनहरी फुहारे अलौकिक सुख का अनुभव करा रही है और हमसे निकलकर ये किरणें सब आत्माओं तक जा रही है। वे सभी आत्माएं भी परम आनंद का अनुभव कर रही है। स्वयं
सुखों के सागर परमपिता शिव परमात्मा सर्व आत्माओं को सुख देने आए हैं। हमें सुख व शांति का रास्ता बता रहे हैं। हमें भी औरों को सुख शांति का रास्ता बताना है। सबका कल्याण करना है। सबको दुखों से मुक्त करना है। शंकर समान ज्वालामुखी तपस्या करनी है। पवित्रता के सागर शिव पिता की याद में लीन होकर तपस्या करनी है, जिससे इस अपवित्रता का विनाश हो, पवित्र युग का शुभ आरंभ हो। इसी शक्तिशाली स्थिति में मैं आत्मा अपने फरिश्ते चोले में उछलती हूं। सूक्ष्म वतन में प्यारे पिता अव्यक्त ब्रह्मा बाप और शिव बाप के पास अपने हाथों से प्यारे मीठे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएं। इसी शक्तिशाली स्थिति में अपने फरिश्ते चोले को यहीं छोड़ मैं आत्मा वाइट ट्विंकलिंग स्टार पहुंच जाती हूं अपने निज घर परम धाम में। कुछ समय के लिए
डीप साइलेंस में, इसी बीज रूप अवस्था में ज्वालामुखी योग अग्नि द्वारा बीज रूप बाप से कनेक्ट हो, जाने अनजाने में हुए अपने विकर्मों को जलकर दग्ध होता अनुभव करती हूं। डीप साइलेंस, ज्वालामुखी योग।
स्वयं को बिल्कुल हल्का, लाइट और शक्तिशाली अनुभव करते, मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ जाती हूं सूक्ष्म बदन में। बाप दादा के हाथों में हाथ लिए सूक्ष्म बदन से नीचे लौट आती हूं साकारी दुनिया में, साकारी रथ में। हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। शांति।